सो गाइज इसमें आपको दो कीज मिल जाती हैं, दो फिजिकल कीज एंड दो सेंट्रल लॉकिंग वाली। सेंट्रल लॉकिंग में आपको लॉक अनलॉक, पावर ऑन करने का एंड हॉर्न बीप करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो स्कूटरी में ना इसमें काफ़ी, इस वाले वेरिएंट में काफ़ी कलर्स वगैरह आते हैं, बट अभी यहाँ पर दो ही कलर्स अवेलेबल हैं, वाइट एंड रेड। तो ये है इसका फ्रंट हेडलैम्प जिसमें आपको LED मिल जाता है एंड ये साइड पर DRL। तो रफ्तार की यहाँ पर लोगो एंड ब्रांडिंग भी मिल जाती है आपको। तो ये है साइड इंडिकेटर एंड साइड पर ही यहाँ पर छोटी सी DRL मिल जाती है, क्रोम फिनिशिंग। फ्रंट साइड में आपको इसमें अलॉय व्हील मिल जाता है विद डिस्क ब्रेक एंड आपको इसमें क्रोम फिनिश में आपको ब्रेक्स एंड साइड मिरर्स मिल जाते हैं। साइड मिरर है ना जो इसके राउंड शेप में है, जो क्लासिक लुक देते हैं, थोड़ी बहुत देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। ये है इसका स्पीडोमीटर जो कि डिजिटल है पूरा। ये अगेन इसके राउंड शेप साइड मिरर्स। ये साइड से हम स्कूटरी के अभी देखते हैं कैसी है। तो ये स्कूटरी का नाम है गैलेक्सी, तो इसमें यहाँ पर गैलेक्सी की बैजिंग भी मिल जाती है आपको। ये है साइड इंडिकेटर एंड ये है रियर टेल लैम्प जो कि आपको LED मिलती है, अगेन रफ्तार की ब्रांडिंग। एंड जो इलेक्ट्रिक स्कूटरी होती है ना, इसमें आपको ना ही नंबर प्लेट की रिक्वायरमेंट होती है ना ही ड्राइविंग लाइसेंस की। ये रियर व्हील। तो आइए अभी हम इसमें ना की इंसर्ट कर देखते हैं कि इसका स्पीडोमीटर कैसा है एंड इसकी लाइटिंग वगैरह चेकआउट करते हैं का कैसी दिखती है। तो यहाँ पर आप अपनी फिजिकल की इंसर्ट कर सकते हो, अगर आप की नहीं निकालना चाहते तो आप रिमोट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो वैसा आपको कुछ डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है जिसमें आपकी बैटरी की परसेंटेज वगैरह शो होगी, स्पीड वगैरह की। तो अभी हम इसके देखते हैं कि लाइटिंग्स वगैरह और फ्रंट की एंड रियर की। तो रियर साइड में आपको ना इसमें दो ऐसे ना पाइप LED पाइप टाइप सा मिल जाता है आपको, दो ऐसे देखो, काफ़ी देखने में सुंदर कलर। एक्सप्लेन कैसे करूँ यार मैं तो समझ नहीं आ रहा मुझे। तो फ्रंट साइड से इसका ऐसा हेडलैम्प है, जो ये साइड में हेडलैम्प के DRL है ना, ये कलर चेंज करती रहती है, जैसे पहले ग्रीन थी, ब्लू हुई, अब पर्पल होगी। तो ये है इसके DRLs। तो आइए अभी हम इसका देखते हैं बूट में स्पेस कैसा है। बूट कह रहा हूँ, डिक्की में स्पेस कैसा है, यार गाड़ी की आदत होगी ना। तो यह इसका चार्जर जिससे आप स्कूटी को चार्ज कर सकते हो। ये भी हम देखेंगे कैसे चार्जर लगता है, कहाँ लगता है। तो ये आपका ये प्लग इन हो जाएगा स्कूटरी में पॉइंट, एंड ये वाला जो आपका सिंपल घर पे आप अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड में प्लग इन कर सकते हो ये भी। तो डिक्की में स्पेस ना सफिशेंट है, ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि स्कूटरी को आप चार्ज कैसे कर सकते हो, कहाँ पर इसका चार्जर प्लग इन होता है। तो ये चार्जर है, तो अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ प्लग इन होता है। तो यहाँ पर स्कूटरी में प्लेसिंग दी गई है, तो ये आप अपना सिंपली से चार्जिंग प्लग इन कर सकते हो यहाँ पर। एंड दूसरा जो पॉइंट है उसको आप सिंपली अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड में अपने घर पर ही चार्ज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर रेड लाइट है, जब ये फुली चार्ज हो जाएगी ना 2 से 3 घंटे के बाद, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगी। तो अभी मैं आपको बैटरी भी दिखाता हूँ कि कौन सी बैटरी डलती है स्कूटरी में। ये 3 से 4 बैटरी डलेंगी स्कूटरी में।